दुर्ग जिले में 15 से 18 वर्ष के 1,30,000 बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगेगी। 3 जनवरी से अभियान शुरू किया जाएगा। दुर्ग जिले में 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए दुर्ग जिला स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसके अलावा विभाग ने जिन बच्चों का टीकाकरण किया जाना है उन्हें भी चिन्हांकित कर लिया है। जिले में करीब 1,30,000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दुर्ग जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि टीकाकरण के लिए शिक्षा विभाग से समन्वय कर बच्चों को चिन्हांकित किया गया है। इसके अलावा कैसे ये प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी इसके लिए भी आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका है और अभियान को सफल बनाने अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। इसके बाद सीधे 3 जनवरी से यह अभियान आरंभ कर दिया जाएगा। सीएचएमओ ने बताया कि वर्तमान में कोवैक्सीन की 50,000 डोज विभाग के पास उपलब्ध है और आवश्यकता के अनुरूप वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में न्यूज टीम को मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को लगना है। हालांकि हमारे यहाँ जिले में 1,06,000 बच्चों को टारगेट दिया है, तो उसमें 1,30,000 तो उसमें हमारे 50,000 का टारगेट हम लोग फर्स्ट डे रखे हैं और 3 तारीख को 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीका लगना है। तो ऐसे हम लोगों ने चिन्हांकित कर रखा है, एजुकेशन विभाग से भी लिस्ट मंगाई है और इसको पिन पॉइंट करके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एजुकेशन विभाग से। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद 3 तारीख को हम लोग वेरीफायर और वैक्सीनेटर लगा के और वहाँ पे करेंगे। स्कूल में जाके हमारे पास वेरीफाई किट और मेडिकल टीम रहेगी, तो हम लोग ऐसा प्लान किए हैं कि वहीं स्कूल में जाकर ही लगाएंगे। अभी फिलहाल हमारे पास 50,000 डोज है और आ जाएगी तो चलती रहेगी टीकाकरण जब तक कंप्लीट नहीं होगा। हम लोग 2-3 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करने का सोच रहे हैं। हालांकि स्टेट से हमको 15 दिन के अंदर बच्चों का पूरा टीकाकरण करने का निर्देश है। हमारे यहाँ 1,30,000 बच्चों का है अभी टारगेट जो है। वैसे 2,00,000 करीब करीब छूटे हुए बच्चे वगैरह सब मिला के हो सकते हैं। कोवैक्सीन लगेगा इनको, कोवैक्सीन लगेगा वो 1 महीने के बाद फिर उसकी हो जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।